أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلاس سكس سبجكت ميتس لكتشر نمبر سكس. अब लेक्चर नंबर सिक्स में हमारे पास क्या है, रिव्यू एक्सरसाइज है. चैप्टर सिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट का रिव्यू एक्सरसाइज है. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास. तो फर्स्ट नंबर में हमारे पास क्या है, फर्स्ट फर्स्ट सिट गिवन है. सिट वन टू इज अ डैश फॉर्म ऑफ सिट. तो ये कौन सा फॉर्म है हमारे पास, तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है. तो पहले में क्या आ रहा है, टेबुलर फॉर्म आ रहा है. अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा क्या है हमारे पास, सिट गिवन है उसमें ज़ीरो लिखा हुआ है. हैज़ वन मेंबर, दिस सिट इज़ कॉल्ड सिंगलटन. सिंगलटन सिट. तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरे में हमारे पास सेट गिवन है ए बी सी हैज अ डैश मेंबर. तो कितने मेंबर है इसमें, इसमें तीन मेंबर है. तो हमारे पास थ्री मेंबर्स आ गए. चौथा हमारे पास क्या है, ये वाला सेट गिवन है वन टू डैश डैश अप टू सेवन इज अ डैश सेट. तो ये फाइनाइट सेट हो गया क्या, नहीं, इसके बाद फाइव नंबर क्या है, फाइव नंबर. फाइव नंबर ये है हमारे पास वन टू थ्री डैश डैश अप टू इन्फिनिटी. तो ये क्या, कौन सा सेट हमारे पास हो गया, इनफाइनाइट. फिर हमारे पास क्या है, सिक्स नंबर सेट गिवन है पी क्यू आर एस एंड पी क्यू क्यू आर एस पी आर डैश सेट. तो ये हमारे पास कौन सा सेट है, तो ये हमारे पास इक्वल सेट है. नंबर क्या है उसमें, इक्वल है. लास्ट नंबर हमारे पास क्या है, सिक्स नंबर. तो सिक्स नंबर क्या है, चेयर सेट गिवन है चेयर डैश टेबल एंड समीना शाजिया इरम. तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट आ गया. इक्विवेलेंट सेट हमारे पास आ गया. तो ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तमाम पार्ट. इसी तरह हमारे पास अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर टू है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग यूजिंग द सिंबल. ये सिंबल्स हमारे पास क्या होने, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ये हमारे पास क्या है, सिंबल्स है. तो ये कह रहे कि आप लोग जो है ना इसको फिल करें कि आया ये सेट इसके साथ बिलोंग कर रहा है कि नहीं. तो पहला हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर पहले में क्या है, सेट ओ या सेट गेवन है उसमें हमारे पास ज़ीरो लिखा है और उसके सामने सेट गेवन है वन ज़ीरो. तो ये कह रहे कि ये ज़ीरो इसके साथ बिलोंग करता है कि नहीं, तो ये हमारे पास बिलोंग करता है क्योंकि ये कंपोनेंट हमारे पास इस सेट में मौजूद है. तो ये जब बिलोंग करते हैं तो उसके लिए हम जो है ना ये सिंबल लगा लेंगे, ये बिलोंग्स टू के लिए है. इसी तरह टू नंबर आप देख ले, तो टू नंबर है हमारे पास क्या है, सेट ए भी हमारे पास क्या है, गिवन है. सेट ए भी हमारे पास गिवन है और इसके सामने जो सेट गिवन है वो क्या है, ए बी सी डी. तो ए भी इसमें मौजूद है ये दोनों, तो मतलब है कि दूसरा भी हमारे पास क्या कर रहा है, ये भी हमारे पास बिलोंग्स कर रहा है. इस तरह थ्री नंबर देखिए, ये थ्री है माइनस वन, सेट गिवन है माइनस वन माइनस टू
और इसके सामने जो सेट है वो माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव है, तो इसमें हमारे पास माइनस टू नहीं है, तो ये हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम जो है ना ये सिंबल लगा लेंगे जो बिलोंग्स नहीं कर रहा। इसी तरह फोर नंबर हमारे पास देख ले, फोर नंबर हमारे पास ये है एम्प्टी सेट गिवन है और इसके सामने जो सेट है उसमें कंपोनेंट है ज़ीरो, तो ये हमारे पास इसके साथ क्या कर रहे हैं, ये एम्प्टी सेट और ये फोर नंबर, तो फोर नंबर में आप लोग एक एम्प्टी सेट है, आई एम्प्टी सेट इसके साथ बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर ये भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये भी हमारे पास इस तरह आ गया। अब फाइव नंबर देखें, फाइव नंबर हमारे पास सेट है वन टू थ्री अप टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या है ज़ीरो वन टू, तो ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास बिलोंग्स टू के लिए ये सिंबल आ गया। इसी तरह अब देखिए पार्ट नंबर सिक्स, पार्ट नंबर सिक्स में क्या है सेट गया वन है वन टू थ्री, यहाँ पर क्या माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो ये आपस में बिलोंग नहीं कर रहे, तो यहाँ पर हमारे पास डज नॉट बिलोंग आ गया। फिर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, ये गिवन है उसमें सेट आपके पास गिवन है, तो यहाँ पर लिख ले आंसर नंबर थ्री, सेट आपके पास गिवन है ए इज इक्वल टू वन टू वन थ्री, सॉरी ये थ्री है, सेट आपके पास गिवन है वन थ्री फाइव अप टू इन्फिनिटी, बी गिवन है, बी क्या है ये वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन, वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन, तो ये कह रहे कि ये आपस में सबसेट है कि नहीं, तो यहाँ पर देखे ये दोनों क्या है ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ये एक दूसरे के सबसेट हमारे पास नहीं है नो, तो ये हमारे पास क्या है आंसर में आप हम लिख सकते हैं नो बिकॉज सेट ए इज इनफाइनाइट एंड सेट बी इज फाइनाइट, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है एक दूसरे के सबसेट नहीं है। इसी तरह ये क्वेश्चन थ्री हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर आप लोग देखें, तो क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास वो क्या कह रहे, क्वेश्चन नंबर फोर बुक में गिवन है लिस्ट ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, तो इसके सबसेट हमने लिखने हैं क्या है, पहले कि लिस्ट ऑल द लिस्ट ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके सबसेट आप लोगों ने लिखने हैं, तो सबसेट हमारे पास उसके लिए क्या है फार्मूला हमारे पास जो है ना 2n, ये हमारे पास क्या है सबसेट के लिए फार्मूला है, n इज इक्वल टू व्हाट है सेट के अंदर जो एलिमेंट है, ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ सेट है। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर में हमारे पास जो सेट है जी इज इक्वल टू एम टी सेट, तो इसका आंसर भी क्या है जी वन है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, इसका आंसर भी एम टी सेट है ये। दूसरा क्या है हमारे पास एच इज इक्वल टू सिक्स, तो इससे क्या आ जाएगा वन कंपोनेंट है हमारे पास, तो ये टू पावर वन इज इक्वल टू, तो एक इसका एम्प्टी सेट होगा और एक ये खुद का सेट होगा एम्प्टी सेट
और दूसरा E6। इसी तरह त्री आप लोग देखें, त्री में हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू कितने कंपोनेंट है हमारे पास, 6, 7, 2 है, तो ये 2 2 स्क्वायर, तो ऐसे क्या आ जाएगा 4। तो इसके पॉसिबल सबसेट कितने हैं, 4। पहला एम्प्टी सेट होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, और फिर ये 6 7 होंगे। इसी तरह 4 नंबर आप लोग देखें, 4 नंबर, तो उसमें हमारे पास जे इज इक्वल टू 6 7 8, कितने कंपोनेंट्स है, 1 2 3, तो ये 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब इसके पॉसिबल 8 सबसेट है हमारे पास, तो वो 8 सबसेट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एम्प्टी सेट है पहला, फिर हमारे पास 6 है, फिर 7 है, फिर हमारे पास 8 है, फिर हमारे पास 6 7 है, फिर हमारे पास 6 8 है, फिर हमारे पास 7 8 है, और फिर हमारे पास क्या है, 6 7 8। ये हमारे पास उसकी क्या है, पॉसिबल सबसेट है। अब इसी तरह 5 नंबर देखिए, उसमें कितने कंपोनेंट है, k इज इक्वल टू 6 7 8 9, तो इसके पॉसिबल सबसेट हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए हमारे पास पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, कंपोनेंट्स कितने हैं हमारे पास, कंपोनेंट हमारे पास 1 2 3 4, 2 पावर 4 16 आ जाएगा। तो इसके लिए सबसेट कितने हैं हमारे पास, पहला एम्प्टी सेट है, फिर हमारे पास 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, 9, फिर 6 7, फिर 6 8, फिर 6 9, 7 8, 7 9, 8 9, फिर 6 7 8, फिर 6 8 9, फिर हमारे पास 7 8 9, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 6 7 8 9। तो ये हमारे पास इसके पॉसिबल सबसेट हो गए। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लुक फॉर अ पैटर्न इन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सबसेट द सेट एल हैज, हाउ मेनी सबसेट्स द सेट एल गिवन है, कितना है, 6 7 8 9 10 हैस। तो इसमें हमारे पास कितने पॉसिबल सेट्स सबसेट, 2 पावर n, n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है हमारे पास n की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल सबसेट कितने हैं, 10 पॉसिबल सबसेट है, क्योंकि
अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पावर 5, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा ये। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सॉरी इसमें ये हमारे पास अगर हम यहाँ पर कर ले, ये इसके पॉसिबल सबसेट कितने हैं हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास इनकी वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पर वैल्यू स्पुट कर ले तो 2 पावर 5, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 पॉसिबल सबसेट से। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस, तो एस कितना है, ए बी सी, तो एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, तो 2 पावर 3 ऐसे क्या आ जाएगा, 8 सबसेट हमारे पास आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड दी कार्डिनेटली नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो कितने एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो पहला पोर्शन है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो हर एक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करने हैं। तो पहला क्या है, पी सेट है, ओमेगा गामा पाई डेल्टा, तो इसमें कितने कंपोनेंट्स है, इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स। फिर दूसरा पोर्शन क्या है, इसमें एस इज इक्वल टू एम टी सेट, इसमें 0 एलिमेंट है। तीसरा हमारे पास क्या है, टी इज इक्वल टू व्हाट सेट, स्टेट्स ऑफ दी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट कितने हैं, तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो हमारे पास 50 हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्या था, एंड ऑफ चैप्टर 1। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।